नीले घोडेरा अस्वाद मारा भीवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और आज हम आ चुके हैं हल्दीघाटी। हल्दीघाटी का नाम तो आपने इतिहास में बहुत सुना ही होगा और आज हम आ चुके हैं। आप ये देखिए हल्दीघाटी दरा प्रारंभ। और हल्दीघाटी जो मेन जो फेमस है, यहाँ पर महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर का एक भीषण युद्ध हुआ था यहाँ पर 18 जून 1576 को, और काफ़ी भीषण युद्ध था। और उस युद्ध का निर्णय अभी तक निकला भी नहीं है, किसी को पता नहीं है कि इस युद्ध में क्या हुआ था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूजा जो हल्दीघाटी का सब बता रखा है अपने को। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के जो दरा है वो अपने को देखने को मिलेगी। वहाँ पर अपने को जो पहाड़ है वो पूरे हल्दी के जैसे अपने को देखेंगे वहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ के बाद वहाँ पर और मिलते हैं आप। दोस्तों आप देखिए, हम आ चुके हैं अभी। और जो युद्ध हुआ था वो क्षेत्र यहीं से प्रारंभ होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर जंगल है। और यहीं से जो महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर का जो भीषण युद्ध हुआ था वो यहीं से प्रारंभ हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी अंदर जाने के लिए भी मना कर रखा है। यहाँ बात हुई मेरी एक दो जनों से तो बोल रहा है अपन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि जंगल बहुत घना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ गेट भी बंद कर रखा है। पर एक बार आपके लिए हम रिस्क लेके थोड़ा अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कुछ अपने को देखने को मिलता है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, हम अंदर एंटर हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं आगे। और अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ हल्दीघाटी दरा का भी एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है, ये देखिए आप। तो चलिए एक बार चलते हैं अंदर और आगे जंगल में जाके देखते हैं। काफ़ी रिस्क है यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि अपने को क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम चलकर आगे आए थे तो हमें यहाँ देखने को मिला है कि जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा एक नदी की तरह पहले बना हुआ था। अभी तो यहाँ पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी जो चेतक ने जो छलांग लगाई थी महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए वो यहीं से लगाई थी। और उस वक्त जब चेतक ने जब छलांग लगाई तो वो इस कोने से उस कोने में पूरी नदी को छलांग मार के एक ही छलांग में पार कर दिया था। और उधर जाने के बाद चेतक ने अपने अंतिम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वापस जंगल से और अभी हम चलते हैं जो दरा है हल्दीघाटी की, जो मेन अपना जो नाम पड़ा है हल्दीघाटी का वो उसी जगह से पड़ा था। तो वहाँ एक बार चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ अपने को क्या खास देखने को मिलता है। फाइनली पहुँच गए हैं जो हल्दीघाटी की जो दरा है, जो आप सामने देख सकते हैं। अभी चलते हैं वहाँ पर और आप देखिए जो दोनों जो पहाड़ बने हुए हैं और दोनों पहाड़ों का जो रंग है वो पूरा हल्दी के समान है। आप देख सकते हैं कि क्राउड भी कितना हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लोग हल्की हल्की मिट्टी भी लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी का कलर हल्दी का है। तो वो
वीर भूमि है ये, तो यहाँ से ले जाके वो तिलक वगैरह भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं, ट्रैफिक बहुत हो रहा है यहाँ पे। आगे चल के मैं आपको पूरा शूट करके बताऊंगा अभी यहाँ का। ये आप देखिए, पूरा ये जो पहाड़ है वो पूरे हल्दी के समान है। और जो आप ये खड्डे देख रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ से लोग मिट्टी वगैरह निकाल के ले गए हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं हल्दी घाटी दरा, और आप मेरे पीछे ये पहाड़ वगैरह देख सकते हैं, पूरे हल्दी से हो रहा है। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा ये सब देख के। मैंने जैसे ही अभी हाथ लगाया तो ये देखिए आप, मेरे भी हाथ पूरे ये पीले हो चुके हैं। यहाँ की मिट्टी पूरी हल्दी है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर जैसे आप ये छोटे छोटे खड्डे देख रहे हैं, तो यहाँ से लोग मिट्टी वगैरह निकाल के ले जाते हैं और इनसे तिलक भी निकालते हैं, क्योंकि वीर भूमि है ये महाराणा प्रताप की। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। और जो ये पूरी हल्दी घाटी की जो दरा है, उसका मैं आपको अभी ड्रोन उड़ा के एक अच्छा सा सूट लेके बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दरा कैसे बनी हुई। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अपने को अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी हम महाराणा प्रताप म्यूजियम के बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर टिकट खिड़की वगैरह है, और आप देख सकते हैं 120 रुपये चार्ज है यहाँ पर। हमने भी टिकट ले लिया है 240 रुपये का। अभी वहाँ से एंट्री है, तो अभी हम एंट्री करते हैं और चलते हैं म्यूजियम के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ का मेन गेट है, यहाँ हमने म्यूजियम में एंट्री ले ली है, और एंट्री के साथ में ही हमें मंदिर के दर्शन हो गए हैं। शिवजी भगवान का मंदिर है, और ये आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप का एक स्टैचू बना रखा है। हल्दी घाटी का घनश्याम युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया
और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहां से 40 किलोमीटर दूर है और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहां पर देख रहे हैं। ये देखते हुए महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक आया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की जैसी गुलाब की खेती होती है, साल में एक ही बार फूल आते हैं चैत्र महीने में, उन्हीं गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब जल, गुलकंद, शरबत तैयार करते हैं। गुलाब जल आंखों में डालने, मिठाई, मेकअप, पूजा में गुलाब जल काम में लेते हैं, गुलकंद बनाया जाता है, गुलाब का शरबत तैयार करते हैं। इसके अलावा आंवला अचार, आंवला चटनी, शहद, एलोवेरा जूस, हल्दी घाटी क्षेत्र का फेमस है गुलाब जल, गुलकंद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजियम के अंदर छोटा सा एक तालाब बना रखा है, कृष्ण भगवान विराजे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। यहाँ सब बोटिंग भी कर सकते हैं अपन और यहाँ पर एक लकड़ी का पुल बनाया गया है। यहाँ शिवजी भगवान भी विराजे हुए हैं। दोस्तों अभी हम घूम के आ गए म्यूजियम वगैरह, अंदर आपके ने सीन देखे होंगे, अंदर हमें मूवी भी बताई गई 10-15 मिनट की और अंदर काफ़ी छोटे छोटे कलाकारी की गई है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है म्यूजियम को। तो आपको देख के कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो काफ़ी घूम के अच्छा लगा यहाँ पर और काफ़ी साफ़ सफाई और काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप कर रखा है अंदर। एक एक जो महाराणा प्रताप की जो जन्म कुंडली से लेकर हर चीज़ वहाँ अच्छे से समझाई गई है, काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अभी म्यूजियम वगैरह घूम के आ गए हैं और अभी यहाँ ऊपर स्टैचू बना हुआ महाराणा प्रताप जी का, तो वो देखने चलते हैं और फिर मिलते हैं वहीं पर। दोस्तों ये देख सकते हैं महाराणा प्रताप का स्टैचू और आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के पास दो तलवारें हैं। उसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, रीज़न ये है कि महाराणा प्रताप हमेशा निहत्तों पर वार नहीं करते थे। अगर दुश्मन के पास कुछ नहीं होते थे तलवार वगैरह तो वो अपनी खुद की तलवार दे देते थे। महाराणा प्रताप ने कभी निहत्तों पर वार नहीं किया, इस वजह से इनके पास दो तलवारें हैं।
दोस्तों भी महाराणा प्रताप जी का स्टेचू हम देख के आ गए, काफ़ी सुंदर लगा यहाँ आके और काफ़ी अच्छा मतलब बना रखा था और काफ़ी हाइट पर भी है, काफ़ी अच्छा यहाँ हमें देखने को मिला। अब हम वापस यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे चेतक समाधि बनी हुई है, एक बार वहाँ जाके और वहाँ मंदिर भी बना हुआ है शंकर भगवान जी का, तो महाराणा प्रताप भी वहीं पूजा वगैरह करते थे, तो एक बार मंदिर चलते हैं और दर्शन करके वापस निकलते हैं घर के लिए। दोस्तों ये देख सकते हैं आप चेतक समाधि यहाँ बनी हुई है, तो अभी चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप चेतक घोड़े की समाधि, जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, ये उसकी समाधि है और ये मंदिर है, ये मंदिर भी है जहाँ महाराणा प्रताप जी पूजा करते थे, शंकर भगवान का मंदिर है। अभी शाम होने को आगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पीछे ये देख सकते हैं मंदिर शिवजी भगवान का, और ये मंदिर लगभग 700 साल पुराना है, महाराणा प्रताप जी भी यहीं पूजा करते थे और काफ़ी अच्छा है यहाँ। ऊपर चेतक की समाधि बनी हुई, तो अभी अपन चलते हैं ऊपर और समाधि देखते हैं चेतक। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझ कर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित